काफी ज्यादा असली लग रही है। और जब इसके डोर ओपन होते हैं तब तो भाई साफ सोने पे सुहागा, इतनी कूल लग रही है ये। और ये देखो एकदम रियल की रोड है और इतनी ज्यादा कूल लग रही है। अब देखते हैं कि इसके टायर सेप आएंगे नहीं। ओ भाई साहब इसने तो 360 डिग्री स्पिन मारा है, यानी कि 360 डिग्री गोलाई में घूम सकती है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस गजब और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ और अल्टीमेट कलेक्शन में, जिसमें कुछ होने वाले छोटे टॉयज तो कुछ होने वाले काफी ज्यादा बड़े टॉयज, कुछ होने वाले बिल्कुल सस्ते टॉयज तो कुछ होंगे इतने बड़े वाले और महंगे टॉयज, जो कि एक अपने आप में ड्रोन है। इसको 2-in-1 ड्रोन कहा जाता है क्योंकि ये कंपेटिबल है, ये एक हेलीकॉप्टर भी बन जाता है और ये अगर आप खोल देते हो तो उसके बाद ये एक ड्रोन बन जाता है। और आज आपके लिए एक सरप्राइज है कि जिन एंड में हम जो 10 लोगों को सरप्राइज देने वाले थे तो आज हम उनको जो है 10 लोगों को नहीं बल्कि हम देने वाले 15 लोगों को शॉट आउट, जिनमें से किसी एक को नहीं बल्कि मिलने वाला है 2 लोगों को ये हॉक वाला ड्रोन जो कि आप यहां पर देख रहे हो। ये जो कुछ इस तरीके के अटैची वाले बॉक्स में आता है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये 2 कलर मिलते हैं, एक ये वाला कलर मिलता है ब्लू कलर और एक मिलता है आपको टैंगी ऑरेंज वाला। तो भाई आपके काफी ज्यादा मजा आने वाला है। प्लस में इसी के साथ 15 में से जिन 2 लोगों को ये वाला ड्रोन मिल रहा है उन्हीं को मिलने वाला ये लुचांसी वाला 2-in-1 वाला भाई साहब एयरप्लेन। इसके नीचे जो आप एयरप्लेन देख रहे हो ये एक गियर वाला और इसके ऊपर लगा हुआ 360 डिग्री रोटेट करने वाला, क्योंकि ये 360 डिग्री में घूमता है जो इसके ऊपर छोटा वाला एयरप्लेन है, तो ये वाला भी आपको मिलने वाला है। तो यानी किसी 2 बंदे की भाई बहुत ज्यादा चांदी होने वाली है। तो हम शुरू करने वाले आज अपने सबसे पहले ड्रोन से, और हमारे पास आज एक फरारी कार भी है जो कि आज येलो वाली गाड़ी लेके आया हूं मैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैंपियन है तो चैनल की सब्सक्राइब बाजू में बेल आइकन दबाएं ताकि आने जितनी हमारे लेटेस्ट वीडियो है आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो यार ये देखिए ये ड्रोन का रिमोट जिसके अंदर काफी सारे बटन्स मिलते हैं, कैमरे का बटन है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी इसके अंदर बटन दे रखा है और यहां से जो है भाई ये फ्लिप भी करता है। बट ये जो कैमरे के बटन है ये सिर्फ डमी की तरह दे रखे हैं, काम नहीं करते। ये काम कब करेंगे जब आप इसके अंदर अलग से कैमरा लगवाओगे। तो इसके अंदर जो है भाई कैमरा अलग से लग जाता है, सिर्फ आपको जो है 800 रुपये अलग से किसी मार्केट में देने होते हैं ताकि इसके अंदर जो है भाई वो कैमरा फिट हो जाए। तो आप ये देख सकते हो इसका जो लुक है इतना ज्यादा खूबसूरत है और इतना ज्यादा कंपेटिबल है ना ये, मैं आपको क्या बताऊं। देखो यहां पर हॉक की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आगे से ये टोनी स्टार्क के हेलमेट की तरह लगता है, जैसे आयरन मैन वाला जो टोनी स्टार्क है सेम वैसा आपको फील आने वाला है। और ये भाई ऊपर इसके अंदर मिलती है 4 पंखड़ियां, ये देख रहे हो आप 2 प्रोपेलर ऊपर है 2 प्रोपेलर नीचे है और 2 ये रे भाई, तो ये टोटल 4 इसके अंदर मिलते हैं। और ये मैं इसलिए बोला था कि ये हेलीकॉप्टर का भी काम करता है क्योंकि ये देखो भाई फोल्डेबल है, तो इस तरीके से जो है ना आप इसको फोल्ड कर सकते हो और इधर से भी आप इसकी पंखड़ी को लेके इस तरीके से फोल्ड कर दो। तो ये देखो ये आप इसको ड्रोन बना के इस तरीके से उड़ा सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ना आप हेलीकॉप्टर वाला ड्रोन भी बना सकते हो। और हेलीकॉप्टर वाले ड्रोन के लिए आपको बस इसको इस तरीके से खोलना है। तो ये देखो ये काफी ज्यादा तगड़ा लुक देता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी जो बैटरी है ना भाई ये आपको कैसे चार्ज करनी होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी बैटरी निकाल के दिखाने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं इसके बॉक्स में जो है आपको एक इस तरीके से भाई केबल देखने के लिए मिलती है, और इसको आप किसी अडैप्टर में लगा दोगे तो इसके अंदर एक जो है लाल कलर की लाइट जलने लग जाती है, इसीलिए इन्होंने ये भाई इसके अंदर छेद दे रखे ताकि आपको जो लाल रोशनी इसमें से दिख सके। और इसके अंदर मिलती है हमें 2 पिन, और ये वाली जो पिन है ना आपको इसके अंदर इस तरीके से अटैच करनी होती है, और उसके बाद जो है ना आप इसको अपने घर के किसी भी चार्जर में ला के चार्ज कर लेना। और जब ये लाल से हरा हो जाए यानी ग्रीन हो जाए तब आप समझ लेना कि ये जो आपकी बैटरी ये प्रॉपर चार्ज हो चुकी है, और उसके बाद आप अपना ड्रोन उड़ा सकते हो। और इसको जो है ना लगाना वापस से उतना ही आसान है जितना इसको निकालना था। और भाई यहाँ पे एलईडी लाइट्स दे रखे हैं 2 एलईडी लाइट्स यहाँ पर भी दे रखे ताकि आप इसको अगर रात में उड़ाना तो ये आपको रात में भी बड़ी आसानी से दिख सके। और ये देखो ये लगा हुआ डमी वाला कैमरा जो नकली कैमरा होता है, बट इसको निकलवा के ना आप 800 रुपये देके बाहर किसी मार्केट में आप यहाँ पर जो है एक 5 मेगापिक्सल तक का कैमरा भी लगवा सकते हो। और ये आप देख सकते हो कि ये काफी ज्यादा जो है अच्छा लग रहा है और ये तैयार है उड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर ये जो ऑन ऑफ का बटन है आपको इसको दबाना है, और ये देखो भाई ये यहाँ पर इस पर लाइट ब्लिंक ब्लिंक करने लग जाएंगी जिसकी मदद से ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, जिससे कि ये आपको पता लगे कि भाई इसने आपका दिल जीत लिया है। अब जो है हम डालने वाले भाई इस वाले रिमोट के अंदर भाई बैटरीज। तो ये मैंने लिए भाई इसके लिए 3 AAA वाली बैटरी जिसको आप पेंसिल सेल के नाम से भी जानते हो। और पता है एक चीज यार अपना वाक्य में काफी ज्यादा मजा आने वाला, वो पता क्यों। सबसे पहले देखो इसको इस तरीके से ऑन करना है, फिर इसको एक बार ऊपर करना है, और ये देखो इसकी भाई पंखुड़ी जो है ना लिटरली इतनी तेज मूव कर रही है कि भाई मेरा जो है ना एकदम निक्कर भाई हिल रहा है, जो मैंने शॉर्ट्स पहन के कैपरी काफ़ी तेज की वो हिल रही है। इसकी वाक्य में जो है ना ये साउंड वगैरह ये भी काफ़ी तेज है। और ये देखो मैंने इसको एक ही बार ऊपर करके छोड़ दिया है, और यार ये जो आप देख रहे हो ना इसके अंदर रेड लाइट ये बताते कि भाई इसके अंदर बैटरी कितनी बची है। तो आप देख सकते हो कि मैंने चार्ज करी थी तो ये 2 पॉइंट तक ही चार्ज रही है, ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूँ। और उसके बाद जो है भाई आप इसको उड़ा सकते हो। देखो ओ बंद हो जा,
भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई, सबसे पहले ना एक चीज देखो, ये डोरेमोन का मुंह ना भाई मैंने ऐसे कर रखा था, बड़े प्यार से मैंने इसको सजाया था। ये जो हमारा डोरेमोन का स्पिनर है ये इतना महंगा मैंने खरीद रखा है, पर ये भाई मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो है ना ये मानता नहीं है। इसकी पंखड़ी की हवा इतनी तेज है कि भाई इसने ना लिटरली इसको तितर पितर कर दिया, और मुझे डर लग रहा था कहीं ये मेरा सारा सामान ही ना गिरा दे। मतलब तुम देख रहे हो भाई इस ड्रोन की इतनी ज्यादा हिम्मत कि इसने जो है हमारी बैटमैन की डाईकास्ट मेटल वाली कार तक गिरा दी। तो भाई अब जो है मैं इसका डेमो देने वाला हूँ आप लोगों को, तो भाई आ जाओ मेरे साथ लाइव। तो ये रहा हमारा भाई हेलीकॉप्टर वाला ड्रोन जिसकी चार पंखुड़ी है, तो आने वाला बहुत ही ज्यादा मजा। ये देखो यार मुझे ऐसा लग रहा है यार इसके ना काफी सारे फीचर्स हमें यही देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब हमें अंधेरे की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये देख रहे हो मतलब कि आप ना यार इसको एक ही जगह पर उड़ाकर रख सकते हो। अभी देखो अब मैं आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखाता हूँ। एक तो देखो इसकी एलईडी लाइट जितनी में सब हमें दिख रही है दिन में भी, ऊपर से यार आप खुद अंदाजा लगा लो ये अभी भी एक लेवल पर ही उड़ रहा है जो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और ये देखो लाइट्स यार कितनी तेज जगमगा रही है, मतलब वाकई में यार अंधरात के अंधेरे में भी ना इजीली इसको देख सकते हैं। और अब देखना इसको कितनी ऊंचाई पे लेके जाऊंगा। ओ हो ये हुई ना बात भाई साहब, मजा आ गया कसम से, गजब यार इसने तो दिल खुश कर दिया यार। ड्रोन हो तो ऐसा हो वाकई में काफी अच्छा था। भाई साहब ये देख रहे हो तो इसका साउंड इतना तेज है भाई मैं क्या बताऊं। ये देखो रोड रोलर खिसका दिया इसने मेरा, तो यार इसको ना बंद कर देते हैं क्योंकि यार ये जो है काफी ज्यादा बवाल चीज है। और आगे से भी ना इसके अंदर ना पता तुम्हें टॉर्च देखने के लिए मिलती है जो भाई रात में बताती है कि ये हमारा ड्रोन कहां पर जा रहा है। और आपने देखा भी कि ये जो है ना भाई काफी ज्यादा तगड़ा उड़ता है, और इसकी रेंज इतनी तेज है ना मैं कह रहा हूं कि भाई अगर कोई फ्लैट वगैरह हो ना कोई काफी ज्यादा ऊंची हाइट का भी होगा तो ये वहां से उड़ाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। या अगर आपके आसपास कहीं पहाड़ है ना भाई वहां से तो भाई साहब मतलब कतई एकदम बवाल वाला नजारा जो है ना आप देख पाओगे क्योंकि इतना अमेजिंग है ये। और मैं आपको क्या बताऊं इसको भाई हेलीकॉप्टर बना लो, इसको ड्रोन बना लो, इसको जो मर्जी बना सकते हो, इसीलिए तो इसका नाम भाई हॉक रखा गया है। तो मुझे पर्सनली ये काफी ज्यादा पसंद आया, और मैं जानता हूं कि उन दो लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है जिन 15 लोगों में से आज ये उन दो बंदों को मिलने वाला है। प्लस में अगर ये आप लोगों को भी अच्छा लगा और आपको भी काफी ज्यादा पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम और उसके आगे आपको वाओ लिखना, और उसके आगे लिखना आपको आरसी ड्रोन, ताकि मैं जो आपको ये वाला 2-in-1 हेलीकॉप्टर वाला जो आरसी ड्रोन है ये मैं आपको गिव अवे कर सकूं। पर अपना एड्रेस जरूर डालना। तो इसको रखते हैं भाई इसकी जगह पर। तो भाई फरारी कार से पहले हम देखने वाले हमारा डांसिंग डॉग जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा, और यार ये ना सच में तुम्हारा दिन बना देगा, आज तुम्हारा भी मन करेगा एकदम भाई नाचने का। तो आ जाओ भाई मैं आपको डांसिंग डॉग दिखाता हूं। तो ये जो है भाई कुछ इस तरीके से आता है जिसके जो कान वगैरह ना बहुत ही प्यारे, और ये देखो इस तरीके से हिलते भी हैं, और इसकी टांगे ऊपर नीचे ऑटोमेटिक चलती हैं, और यहां से भाई साउंड निकलता है। और इसके अंदर पता जो सबसे जो चीज है वो ये कि ये जो एक मैजिक बॉल दे रखी है ना, ये देखो ये जब मैं नॉर्मल भी हाथ से घुमा रहा हूं तो भी आपको कितनी अच्छी लग रही होगी। तो सोचो जब इसके अंदर भाई 5D जो डायनेमिक लाइट्स होती है ना वो निकलती है, और ये जो लेंस बने हुए हैं इसकी मदद से वो लाइट्स इतनी ज्यादा ऊपर की आती है कि आपको लगे कि भाई कोई इंद्रधनुष निकल के आया है, क्योंकि ये ना एकदम रेनबो जैसा मूड बना देगा। इसको बस आपको इसकी नोज पे लगाना है और दो बार इस तरीके से घुमाना है, और जैसी आवाज आ जाए आपको तो आप समझ लेना ये अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। अब जो है ना भाई ये देखो इसकी जो है ना टेल से लेके एक हर एक चीज इसकी मूव करती है जो मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगती है। और इसका ऑन ऑफ का बटन इन्होंने पीछे दे रखा है। तो हम जो भाई सबसे पहले तो इसके अंदर डालने वाले बैटरीज, और इसके अंदर भी ना हमारे 3 सेल डलेंगे, लेकिन इसके अंदर डलेंगे भाई डबल ए वाली बैटरी। ये देखो भाई ये चलनी शुरू हो गई अपने आप, ये ऑटोमेटिक घूम रहा है, और इसके अंदर म्यूजिक भी आ रहा है, और ये देखो पैर चला रहा है अपने, और इसके अंदर जो है लाइट जल रही है काफी तगड़ी वाली, लेकिन ये जो आपको अंधेरे में दिखेगी। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑफ ताकि आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाए। तो आ जाओ भाई मेरे साथ लाइव फ्लोर पे। ये देखो भाई साहब क्या लग रहा है यार ये, ओ माय गॉड भाई साहब। तो मतलब इसी चीज की मैं बात कर रहा था, जो 3D लाइट जल रही है काफी ज्यादा रंगीन है, और यार अभी तो तुम देखना जैसे लाइट्स ऑफ होगी ना उसके बाद जो करतब करने वाला ना भाई साहब, ये देखो भाई रे भाई स्पाइडरमैन ने चुराया मेरे दिल का चैन। दोस्तों भाई साहब तुम लोगों का भी जो है ना भाई डीजे पे चढ़ के डांस करने का मन कर जाएगा, इतनी ज्यादा इसके अंदर इंद्रधनुष जैसी 7 रंग की लाइटें निकल रही हैं, और कितना प्यारा लग रहा है यार ये, बहुत क्यूट है बहुत मजेदार है। तो यार देखो सबसे पहली चीज के भाई मैं जो एक बहुत बड़ा डॉग लवर हूं, ऊपर से भाई जो है ना मुझे इस तरीके के जो बस डॉग्स होते हैं ये मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, और ये जो डांसिंग डॉग था इसने कतई बवाल मचा दिया भाई, कसम से धुम्मा उठा दिया इसने, इतना ज्यादा मजा है। मैं आपको क्या बताऊं पता है, एक इंटरेस्टिंग चीज यार मैंने तुम्हें ना यहां पर चला के दिखाता हूं एक बार, ठीक है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं क्योंकि नहीं तो ये सारा सामान गिरा देगा। मैं इसको पकड़ के रखूंगा और ना मैं आपको इसकी लाइट्स एक बार नीचे भी दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा आपको मजा आएगा। तो भाई लाइट्स को ऑफ करते हैं। तो यार ये आप देख सकते हो इतना तगड़ा लग रहा भाई, और इतनी स्पीड में भाग रहा है ना ये, मैं आपको क्या बताऊं। देखो फरारी
इतनी बढ़िया लग रही है। और आपने भाई इसको फ्लोर पे भी देखा था ना, फर्श पे इतनी तगड़ी लाइटें फेंक रहा भाई, मन कर रहा था कि भाई डीजे के ऊपर ना कूद कूद के नाच हो रही है, पता पूरा डीजे का काम करेगा ये देखो। ये वाली हमारी गेम भी पेपा पिग वाली गेम जो है ये भी कितनी अच्छी लग रही है, हमारी गन भी इसके अंदर कितनी बढ़िया लग रही है। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑन, सचमुच में इसने बहुत ज्यादा एंटरटेन किया और इसने बताया हमारा आज ना दिन बना दिया। अगर आपको डांसिंग डॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया, जिसने भाई साहब डीजे वाली लाइट्स बिखेरी है और रेनबो बना दिया इसने कसम से दीवार पे और फर्श पे, अगर आपको काफी ज्यादा मजा आया तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना भाई डांसिंग डॉग, ताकि आपको भी ये वाला पैट जो भाई गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो ये वाली जो हमारी आरसी सुपर कार है, इसकी पता सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसके अंदर आप ना भाई सेल भी डाल सकते हो और उसके बाद आपको दोबारा सेल कभी खरीदने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये वाले जो सेल है ना भाई ये चार्ज हो जाते हैं। अब वो आप पूछो कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूं लाइव। तो ये जो है ना भाई ये एक चार्जर जो कि इसी के बॉक्स में आपको मिलेगा, और इस चार्जर से आपको करना क्या है कि यहां पर ना एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, शायद आपको दिख भी गया होगा ये रहा। तो इसके अंदर आपको इसको इस तरीके से लगाना होता है और इसके अंदर जो रेड लाइट जो जलती है जब वो बुझ जाएगी तब समझ लेना कि इसके अंदर जो आपने सेल डाल रखे हैं वो प्रॉपर चार्ज हो चुके हैं, और उसके बाद आप इसको ना चला सकते हो। यानी कि इसके अंदर जो आप चार बैटरीज डालोगे उसको आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा, आपका वही जो है ना भाई 6 महीने कम से कम चल जाएगी इस चार्जर की मदद से, तो आपके पैसे बच जाएंगे। तो चलो इसके अंदर भाई फटाफट से हम जो है चार बैटरीज डालते हैं। ये भाई हमने जो है इसके अंदर चार डबल ए वाली बैटरी लगा दी है, और चार बैटरी की मदद से ना ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब आप सोच रहे होगे जो नॉर्मल जो है गाड़ियों में 3 बैटरी लगती है लेकिन इसमें 4 बैटरी का क्या काम है, पर मैं आपको बता दूं भाई 4 नहीं इसके अंदर 6 लगने वाली हैं, क्योंकि 2 इसके रिमोट में भी लगेंगी जो काफी ज्यादा पावरफुल है। और एक बात ये देखो कि ये साइज में कितनी बड़ी है, ये यहां से लेके यहां तक है, यानी कि भाई ये मेरा ना हाथ यहां तक कवर कर रही है, और आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी गाड़ी है। और ये फरारी एंजो मॉडल है जिसकी ग्रिल इतनी ज्यादा अच्छे डिजाइन कर रखी है, ये आप नीचे से ग्रिल देख लो या ये इसका ऊपर से जो बोनट वाली ग्रिल है ये देखो, और इसकी लाइट्स देख लो, हेडलाइट इसके अंदर भी भाई लाइट जलती है जो मैं अभी आपको अंधेरे में दिखाऊंगा, तो देख के आपका भाई दिल मचलने लगेगा। और इसके अलॉय व्हील देखो यार एकदम सिल्वर पेंट कर रखा है, इतनी क्यूट लग रही है ये, मैं आपको क्या बताऊं, इसकी डिजाइन वगैरह देख सकते हो, और इसकी टंकी डिजाइन देखो, इसका इंजन देखो, ये V12 इंजन है, इतना तगड़ा इंजन है मैं आपको क्या बताऊं, और पीछे टेल लाइट देख रहे हो, इतनी ज्यादा गुड लुकिंग। और सबसे अच्छी चीज कि जो इसकी मुझे जो लगती है वो ये कि यार इसके अंदर डिटेल भाई भर भर के दे रखी है, जैसे कि जो इसका मेन शीशे का फ्रेम है उसके अंदर एक ही वाइपर दे रखा है, और जो ओरिजिनल वाली फरारी आती है उसमें भी सिर्फ एक ही वाइपर होता है, नहीं तो नॉर्मल गाड़ियों में 2 वाइपर होते हैं। और तो और भाई इसके अंदर एक फीचर और है, वो ये है कि भाई इसके जो डोर है दोनों के दोनों ओपनएबल है, मतलब दोनों के दोनों दरवाजे इसके खुल जाते हैं, और वो भी रिमोट कंट्रोल से, जो बहुत ज्यादा इसको गुड लुकिंग बनाती है। और बहुत ज्यादा जो इसका कलर है ये भी HD है, और भाई गाड़ी तो भाई है ही, मतलब आपको पता है कितनी बेमिसाल गाड़ी है ये। तो भाई इसका भी मैं लाइव डेमो दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अंधेरे में इसकी लाइट्स दिखाने वाला हूं। तो भाई इसके रिमोट का ना सबसे पहले हम स्क्रू निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो भाई इसके अंदर हम डाल देंगे 2 AA वाली बैटरी, और उसके बाद इसको लॉक करेंगे, और मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई बहुत तगड़ा वाला जादू जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। ये वाले जो आप बटन देख रहे हो ना और ये जो एंटीना देख रहे हो इसकी मदद से काफी ज्यादा दूर तक जाने वाले। तो भाई सबसे पहले जो है इसको ऑन करते हैं, तो इसके बटन का भाई हम देखने वाले फीचर्स। तो ये भाई देखो ये टायर इसका आगे को भाग रहा है, आवाज भी इतनी प्यारी है इसकी, और जैसे आप ये नीचे की तरफ दौड़ोगे तो भाई ये टायर ना पीछे की तरफ चला जाएगा, तो यानी कि ये गाड़ी आगे अपने आप आती है और भाई रिवर्स गियर में भी अपने आप चली जाती है। और दाएं बाएं करने के लिए भी ये देखो इसके अंदर एक बटन दे रखे हैं, ऐसे बटन दबाओगे तो भाई ये राइट में गाड़ी जाएगी, और अगर ऐसे बटन दबाओगे तो ये लेफ्ट में चली जाती है, जिसकी मदद से ना 360 डिग्री गोल गोल घूमती है, यानी 360 डिग्री स्पिन करती है, और काफी ज्यादा ये मजेदार बन जाती है। और भाई अब मैं ना जो आपको इसकी हेडलाइट दिखाने वाला हूं जो काफी ज्यादा तेज है, ये देखो यार मतलब है ना कितनी तेज, और ये अंधेरे में और भी ज्यादा तेज लगती है और काफी ज्यादा चमकती है। तो भाई मेरे साथ लाइव आ जाओ, मैं आपको लाइव मजे देने वाला हूँ। हमारी एकदम भाई शोरूम में खड़ी हुई है गाड़ी, येलो कलर की RC फरारी जो काफी ज्यादा असली लग रही है, और जब इसके डोर ओपन होते हैं तब तो भाई साफ सोने पे सुहागा, इतनी कूल लग रही है ये। और ये देखो एकदम रियल की रोड है, और इतनी ज्यादा कूल लग रही है, अब देखते हैं कि इसके टायर सह पाएंगे नहीं। ओ भाई साहब इसने तो 360 डिग्री स्पिन मारा है, यानी कि 360 डिग्री गोलाई में घूम सकती है, और अब देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेट जाएगी या नहीं जाएगी, कहीं पता चले गिर गिरा जाए। ओ माइंड ब्लोइंग भाई साहब, कतई बवाल यार, ये तो बहुत बढ़िया जा रही है। ओए होए अंधेरे में देखो यार इसकी LED लैंप्स देखो कितने तगड़े हैं। ओ भाई साहब क्या गोली की तरह गई है, अमेजिंग, मजा आ गया यार। ओ माय गॉड यार, आप एक ही चीज सोच रहे हो कि भाई ये जो डोर खुल रहे थे वो कैसे खुल रहे थे। तो यार मैं आपको बता दूं ये जो बीच में बटन दे रखा है ये कोई ऑन ऑफ के लिए नहीं है, बल्कि इसी बटन से ना ये पता है डोर इसके खुलते और बंद होते हैं। ये देखो ये भाई कैसे ऊपर को जाते हैं, और ये जब ऊपर जाते हैं ना इतने कूल लगते हैं ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ इतने ज्यादा कूल लगते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसका स्लो मोशन देखोगे ना तो ये और भी ज्यादा प्यारी लगते हैं। नीचे देखो भाई लेदर की सीट्स वगैरह लगी हुई है, स्टेयरिंग व्हील है, गियर बॉक्स लगा हुआ है, इतनी ज्यादा ऑसम है ये, मैं आपको कहता हूँ। पी पी
तो देख रहे हो यार कितनी कूल लग रही है। और इस बटन को दोबारा दबाओगे तो इसके जो शीशे हैं ये बैठने लगते हैं, ये देखो है ना, बैठ गए ना। और वापस से इसको दबाओगे तो वापस से ऊपर आ जाएंगे। तो मतलब ये जो गाड़ी है भाई साहब, ये अपने आप में एक सुपर कार है, जो कि वाकई में मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आई। और सच में ये ऑटोमेटिक डोर के साथ आती है और इसकी वजह से ही ना मुझे ये बहुत पसंद आई, क्योंकि यार ऑटोमेटिक डोर ना बटन से खुलने वाली, जो रिमोट कंट्रोल आप देखोगे तो काफ़ी कम ऐसे रिमोट कंट्रोल होंगे जिसमें कि रिमोट से भाई जो है गाड़ी खुल जाए, और इसके अंदर ऐसा ही होता है। और इसीलिए इसका साइज़ इतना बड़ा दे रखा है और इसको इतना अच्छा बना रखा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसके जो टायर्स है भाई, आपको एकदम जो है ना असली वाले MRF और अपोलो टायर्स की याद दिला देंगे। तो इसलिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और आपको भी भाई फरारी कार्स वगैरह RC कारों से खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना RC फरारी कार, ताकि मैं जो आपको ये येलो कलर की चमचमाती हुई गाड़ी आपको गिव अवे कर सकूँ। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आने वाली है भाई हमारी एक ऐसी शॉट गन की, जो कि मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये जो गन है भाई, ये 2-in-1 गन है, क्योंकि इसके अंदर और भी इस बोल डलते हैं जिसको हम भाई जेली बोल भी कहते हैं। वो ये रही भाई मेरे हाथ में, ये आप देख सकते हो ये कितनी सारी है मेरे पास। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इस तरीके से भाई जो है इसके अंदर से जेलीज बॉल निकालने हैं। देखो ये और भी इस बॉल है जिसको हम वाटर बॉल भी कहते हैं, कितनी सुंदर लग रही है यार ये। इसके अंदर आपको इसको डालना है कुछ इस तरीके से, ये देखो ये तीनों के तीनों जो है भाई मैंने और भी इस बॉल इसमें डाल दिया है। और इसके बाद ये शटर लगा दोगे और ऐसे करके भाई लोड करना। देखो वो भाई यार वो ना मेरे हाथ में से निकल के इतनी तेज की गई है कि एक सेकंड के लिए मुझे ही नहीं पता चला कि भाई वो गई तो गई कहाँ। तो वो ना वहाँ पर गिरी हुई है स्टूल के नीचे। तो भाई अब जो है ना मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये जो इसका स्पंज है जिसको कि हम बोलते हैं भाई सॉफ्ट बुलेट, और इसको ना डार्ट भी बोला जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है। इसको दरवाजे पे चिपका सकते हो, किसी भी मिरर पे चिपका सकते हो, प्लस में भाई कोई कप वगैरह, कोई मिनियंस वगैरह, जिस मर्जी को आप इससे उड़ा सकते हो। और भाई इसको यूज़ करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये जो आप देख रहे हो ना लाइन, इस लाइन से ना आप टारगेट लगा सकते हो, जैसे कि पेपा पिग वाली गेम है। तो भाई हमें इसको टारगेट बनाना है, तो ये देखो कितनी आसानी से हमने इसको टारगेट बना लिया। अब यहाँ से साफ दिख रहा है तो हम इसको निशाना बना सकते हैं, बट लेकिन मैं जो आपको इसको ये यहाँ पे चला के दिखाने वाला हूँ, तो ये देखो इतनी तगड़ी तरीके से निकलती है ना, और ये भाई चिपक भी जाती है वैक्यूम की तरह। ये देखो ये आप देख सकते हो, देखो कितनी ज़्यादा लेट गई, तो ये ना चिपक जाती है आगे से, क्योंकि इसके अंदर ये जो है ना ये थोड़ा सा वैक्यूम टाइप का कुछ लगा होता है जो काफ़ी ज़्यादा इसको बनाया था स्पंजी सा, जिसकी मदद से चिपक जाता है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो भाई इसका एक लाइव डेमो तो बनता है, आ जाओ मेरे साथ। तो भाई साहब ये जो देखो हमारा टारगेट तैयार हो गया, हमने जो है आज टारगेट बनाया है अपने मिनियंस को। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, ये रही हमारी चैली वाली बॉल, भाई कितनी सेक्सी लग रही है यार ये देखो, एकदम ऐसा लग रहा है लाल कलर का पानी वाला कंचा, पनीर कंचा होता था ना जो बचपन में, वैसा वाला लग रहा है। देखना कितनी सेक्सी लग रही है। शटर को फटाफट से खोलते हैं और इसके अंदर भाई सारी की सारी जो है हम ये अपनी पानी वाली गोली डालने वाले हैं। अब ये जो जेली बॉल हमने लोड कर लिया है, अब फटाफट से लोड करते हैं और अब हम मिनियन को उड़ाएंगे। ओ भाई साहब ये तो गया रे गया, अब एक बार जब हम सॉफ्ट बुलेट से भी उड़ाने वाले हैं तो भाई साहब दोबारा हमने सेट लगा लिया टायर। ओ भाई साहब ओ मजा ही आ गया भाई साहब। अब एक बार जो है ना ये देखो भाई साहब कितने सारे, एक तो हमने देखो कितने सारे हमने भाई गिरा दिए हमने दुश्मनों को, ये देखो दो डट के खड़े हो गए हमारे और ये चिपक गए फर्श पे। अरे चिपकने से याद आया, क्यों ना हम इस पर जो है शीशे पे चिपकाएं। तो भाई चलो दोबारा फिर लोड करते हैं और डार्ट को चिपकाते हैं। ओहो क्या बात है। तो भाई साहब ये जो कितना सुंदर लग रहा है चिपको भाई, एकदम भाई साहब ओ भाई अमेजिंग यार, वो कतई बहुत चीज है। ये देखो यार इसकी जो नोजल है ना कितनी ज्यादा 3D है, और भाई जो इसका कलर कॉम्बिनेशन मतलब ब्लू एंड ग्रीन कलर का, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये ना मुझे हल्क की याद दिलाता है। और ये भाई साहब ये एक नहीं बल्कि ये 2-in-1 गन है। फर्स्ट क्योंकि इसके अंदर एक वाटर बॉल डलते हैं जिसको जेली बॉल कहा जाता है और भी बॉल कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर आप भाई सॉफ्ट बुलेट या डार्ट डाल के इस्तेमाल कर सकते हो। भाई आपको ना कुछ नहीं करना, बस आपको यूं करना है कि ये ना रास्कल माइंडेड धाए धाए धाए। तो ये देखो इतनी ज्यादा इसके अंदर से भाई बढ़िया आवाज आती है ना, इसका जो साउंड है वही आपका दिल जीत लेगा। तो चलो भाई इसकी इसकी जगह पे रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ये गन काफी ज्यादा अच्छी लगी तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे लिखना है आपको 2-in-1 गन, ताकि मैं जो आपको ये वाली गन गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। भाई स्पिनर और लेजर लाइट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं एक यूनिक कॉन की तरफ से आने वाली स्टेनलेस स्टील वाली, यानी कि ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स जो काफी ज्यादा तगड़ी, और इसके नीचे देखो टायर वगैरह बने हुए हैं, और ये रंग बिरंगे बाल वाला हमारा यूनिकॉर्न बना हुआ जो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। और ये एक बस का डिजाइन बना हुआ है जिसमें कि आप बस को ऐसे चला सकते हो और इस तरीके से मुड़ के वापस भी आ जाती है, तो काफी ज्यादा अच्छी है। और ऊपर जो है ना एक प्लास्टिक में भाई दे रखा इन्होंने ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि आर पार देखने के लिए है। इसके नीचे देखो मुझे स्केल दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है, इरेजर, शार्पनर, और एक दिख रहा भाई मार्कर। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये मार्कर क्या करने वाला, तो ये जो पेन है ना भाई ये इतना अमेजिंग पेन है, ये मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैं आपको दिखाता हूं भाई ये जो पूरी की पूरी स्टेशनरी किट है ना, मैं आपको सारी दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले भाई जैसे आप इसको खोलोगे तो इसके अंदर आपको मिलने वाली है ट्रे। तो ये देखो
सबसे पहले जो है ना भाई, इसके अंदर आपको मिलेगी ट्रांसपेरेंट वाली ट्रे, जिसको कि भाई मैं बोलता हूँ प्लास्टिक वाली ट्रे, ये देखो। और इस प्लास्टिक वाली ट्रे के अंदर ना पता सारा का सारा सामान है, जिसके अंदर की देखो भाई एक यूनिकॉर्न वाला स्केल मिलेगा 15 सेंटीमीटर का, जो नॉर्मल जो 15 सेंटीमीटर वाले स्केल होते हैं सेम वही है। बस इसके अंदर जो है ना, एक में भाई साहब आपको रंग बिरंगे बाल मिलेंगे रेनबो वाले, और एक में मिलेगा ब्लू कलर के बाल, जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। और भाई पिंक कलर यूनिकॉर्न के लिए आपको पता है कितना ज़्यादा फेमस है, तो इसमें एक शार्पनर मिलता है जिसमें कि जो है आपको अपनी पेंसिल छीलनी है, और ये जो गोल देख रहे हो ना आप सर्कल, इसके नीचे से भाई सारा का सारा डस्ट ऑटोमेटिक दूसरी तरफ से छिलके ऑटोमेटिक बाहर हो जाता है। और इसके अंदर हमें एक इरेजर देखने के लिए मिलते हैं, जिसपे कि भाई एक बेबी यूनिकॉर्न बना हुआ है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसपे लिखा हुआ है मैजिक। और मैजिक मतलब आपको पता ही है कि बिलीव, क्योंकि यूनिकॉर्न वालों का भाई ये नारा है कि भाई हमेशा जो है अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए, जो बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भाई पेंसिल तो मैं आपको दिखाने भूल गया, ये देखो ये एंजल बनके उड़ रहा है भाई हमारा यूनिकॉर्न, जिसके भाई साहब पंख वगैरह लगे हुए हैं, और ये बादलों में सवार हो रहा है, देखो रेनबो वगैरह कैसे निकला हुआ है। तो ये जो पेंसिल है भाई, मैं तो आपको ये कहूँगा कि जब आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स पहुँचेगा ये पेंसिल बॉक्स, तो आपको जो है ना इसको यूज़ मत करना यार, इस वाली पेंसिल को ये आप अपने कलेक्शन में रख लेना, और आप जो बाकी सारी चीज़ें इसकी यूज़ कर लेना। तो अब इसके बाद भाई मैं लेने वाला हूँ हमारा मार्कर, और ये जो है ना भाई ये व्हाइट बोर्ड वाली ज्योमेट्री। अब आप सोचोगे कि यार व्हाइट बोर्ड तो हमने क्लास में देखे हैं, इस ज्योमेट्री में कैसे मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस ट्रे को ना थोड़ी देर के लिए भाई मैं साइड रख देता हूँ, ताकि आपका जो ध्यान है वो प्रॉपर इसी चीज़ पर रहे। तो ये देखो भाई इसमें कैसल वगैरह बना हुआ है, बस के टायर वगैरह बने हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, यूनिकॉर्न भी अपना उड़ रहा है। अब ये देखो, अगर आप कभी भाई कुछ लिख रहे हो या आप अपना कुछ सम्स वगैरह कर रहे हो, आप भूल जाते हो कि भाई दो दूनी कितना होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो भाई 2 2 4 होता है, यानी कि 4 होता है। तो ये आपके ना बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और प्लस में एक और ट्रे है, तो आप जब इस ट्रे को हटा दोगे, तो ये थी आपकी दूसरी ट्रे, पहली वाली जो प्लास्टिक वाली, ये दूसरी वाली ट्रे है। और तीसरा जो है इसके अंदर आपको मिलता है स्पेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा। और चौथा इसके अंदर आपको मिलते हैं टेबल्स, और पांचवा आपको मिलेगा व्हाइट बोर्ड, वो भी अभी दिखाने वाला हूँ, जो इसका पांचवा फंक्शन है। तो इसके अंदर आप 12 स्केच कलर्स रख सकते हो, पेन पेंसिल शॉर्पनर इरेजर कंपास डी प्रकार, हर एक चीज़ इसके अंदर आपकी ईजिली आ जाएगी। और भाई जिस व्हाइट बोर्ड की मैं बात कर रहा था वो है ये। तो ये व्हाइट बोर्ड पता किस काम आता है आपके, और इसके अंदर देखो एक छोटा सा डस्टर भी मिला हुआ जो आगे को दे रखा है। तो आपको भाई इस तरीके से ना सबसे पहले तो इस मार्कर को निकालना है, और उसके बाद जो भी आपकी मैडम आपको भाई जो इंपॉर्टेंट नोट्स दें, आप जो है होमवर्क वगैरह दे रही हैं, तो आप जो इस पर आराम से नोट कर सकते हो। जैसे कि कल जो है आपको अपनी SST की कॉपी लेके आनी है, या फिर कल आपको अपनी मैथ्स की कॉपी लानी है, तो आपकी मैडम बोल देगी भाई ब्रिंग योर बुक। तो भाई शायद इंग्लिश मेरी गलत हो सकती है, बट आप जो है मेरी फीलिंग समझना। तो इस तरीके से जो है आपको लिख लेना ब्रिंग योर बुक्स। तो भाई आप जो अपनी किताबें लेकर आना, और यहाँ पर आप लिख लेना नोट। तो आप देख सकते हो आप जो इस तरीके से भाई कुछ नोट्स वगैरह बना सकते हो। तो ये मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ के आपको लिख के दिखा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। और बाद में आप चाहो तो इसको दे देखो इस तरीके से ना भाई, आप इसको डस्टर से रिमूव कर सकते हो, जो कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा वाला बढ़िया वाला फंक्शन लगता है। तो आप जो है ना भाई डेली नोट्स बना सकते हो, और आप इसी तरीके से इस मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए ये जो है ना भाई मुझे पेंसिल बॉक्स जो है ये यूनिकॉर्न वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उसका पता है एक मेन रीज़न यही था कि भाई एक तो ये मेटल की है जो कि भाई जल्दी नहीं टूटेगी, दूसरा इसके अंदर भाई व्हाइट बोर्ड मिलता है, वो भी मार्कर के साथ, जिसके अंदर एक अटैच डस्टर मिलता है। तो अगर आपको भी ये यूनिकॉर्न वाली भाई साहब मेटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स पसंद आई हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना यूनिकॉर्न ज्योमेट्री बॉक्स या फिर यूनिकॉर्न पेंसिल बॉक्स, ताकि मैं जो आपको ये वाली मेटल वाली बॉक्स गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई दो डाईकास्ट कार, जिसको कि मेटल की कार बोला जाता है, और ये प्रॉपर मेटल की बनी होती है। और ये देखो भाई ये बैटमैन की कार, और ये बैटमैन का लोगो है जो काफी ज्यादा क्यूट है। बट लेकिन ये आप देखोगे ना तो भाई ये मिक्की माउस की कार आपको ज्यादा लगेगी, जो मिनी माउस है सेम वैसी कार लगेगी। ये देखो विंटेज कार है ये, जो वॉक्सवैगन बनाते थे। और पता है इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसके भाई ट्रांसपेरेंट ग्लासेस चारों के चारों ही। और एक अच्छी चीज जो प्लस में इन्होंने दिया वो ये कि भाई पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं, और आगे बैठ सकते हैं 2 लोग, एक ड्राइवर और एक उसका साथी। तो भाई टोटल इसके अंदर 5 लोग आ सकते हैं। और प्लस में एक भाई साहब गाड़ी आई है आयरन मैन की। तो क्योंकि तुम्हें पता है बैटमैन होगा भाई अपने लिए, लेकिन आयरन मैन की अमीरी तो तुम्हें पता भाई साहब वो कहीं नहीं जाती। ये हमारा टोनी स्टार्क भैया का हेलमेट का डिजाइन बना, और ये क्यूट वाली उसकी आईज वगैरह बना सकती है, क्योंकि ये जो है एनिमेशन टाइप में बना रखा है, और ये छोटे से मिरर दे रखे हैं। और इसके अंदर लेकिन एक ही चीज़ है कि भाई तुम्हें पता है भाई टोनी स्टार्क ज्यादा लोगों को लेके नहीं चलता, तो भाई टोनी स्टार्क ने ये अपने फ्रेंड के लिए और ये सिर्फ अपने लिए बनाई है, जिसमें कैप्टन अमेरिका को शायद ये जगह दे दे। तो एक इधर भाई सीट है और एक इधर सीट है, ऊपर भाई टोनी स्टार्क का लोगो बना हुआ है, और पीछे मिक्की माउस का लोगो बना हुआ है। ये काफी ज्यादा अच्छी लगी, और ये भाई प्रॉपर डाईकास्ट की कार है, ये मेटल की कार है, ये देखो है ना, आपको आवाज से ही पता लग गया होगा। और ये जो भाई ये एक पुशबैक कार है, तो बस इसके टायर जो है आपको इस तरीके से पीछे खींचने होते हैं, और जैसे छोड़ोगे तो ये देखो कैसे गोली की तरह एकदम आवाज आती है इनमें से। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ को बहुत खास बनाती है। तो आपने देखा जब आप इसको नीचे चलाओगे फर्श पे रख के फ्लोर पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाएगी। अगर आपको ये कि दोनों की दोनों मेटल कार पसंद आई हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे आपको लिखना है बैटमैन एंड आयरन मैन
डाइकास्ट कार या फिर मेटल कार, ताकि मैं जो आपको दोनों की दोनों कार गिव अवे कर सकूं। तो इनको रखते हैं दोनों को इनकी जगह पर। तो आज मैं जो भाई आपके लिए एक बाइनोकुलर लेके आया हूं, जिसको देख के आपको ना वॉल्ट डिज्नी वाले करेक्टर की रोबोट की याद आ जाएगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा हटके है। और प्लस में भाई उसके साथ एक है भाई हमारे पास मिनी वाला जो है ना मॉन्स्टर ट्रक, और एक रोड रोलर है, और एक है हमारे पास भाई गेम भी। तो सबसे पहले भाई हम लेने वाले हैं पेपा पिक की तरफ से आने वाली है गेम, और बल्कि भाई गेम एक नहीं है, आज दो गेम है, एक वाटर गेम है कार रेसिंग वाली, और दूसरी है भाई हमारे पास एक ये वाली पेपा पिक वाली। तो इसके अंदर डलने वाली है बैटरी, तो भाई इसके अंदर ना पेंसिल सेल लगाने हैं, यानी कि ट्रिपल ए वाली आपको दो बैटरी लगानी है, और यहाँ से इसके अंदर साउंड आता है यानी कि म्यूजिक। तो भाई ये ऑलरेडी ऑन था तो इसलिए इसके अंदर साउंड आ रहा है। तो चलो भाई इसके साउंड को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये मैंने बटन दबा दिया म्यूट का, इसको म्यूट कर लोगे तो उसके बाद जो है ना आपको स्टार्ट एंड ऑप्शन का बटन मिलता है, और यहाँ से जो है आप अपनी गेम को सिलेक्ट करने के बाद इसको जैसे स्टार्ट करोगे तो ये देखो ये भाई बनने शुरू हो जाते हैं, और ये अपने आप धीरे धीरे आएगा। और अगर आप चाहो तो ये बटन दबा के रखोगे तो ये देखो ये इतनी तेज की आता है। तो भाई ये बचपन में मैंने काफ़ी ज़्यादा खेले, बचपन से मेरा मतलब आज से 7-8 साल पहले मैंने इतना ज़्यादा खेला इसको, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मुझे उस टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो इसके अंदर भाई ब्लॉक्स बनाने होते हैं, इसके अंदर कार रेसिंग होती है, और इसके अंदर पता है आपको जो है ना भाई बॉम्ब वाली गेम भी मिल जाती है। तो इसके अंदर टोटल भाई 35 से भी ज़्यादा गेम्स होती हैं। तो ये अगर आपने खेली हुई है या ये आपको आज भी खेलनी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आती है, आपको लगता है कि आप इसमें मेरे से भी बड़े चैंपियन हो, तो आपको लिखना है भाई साहब अपना नाम, और उसके आगे वाव लिख के आपको अपने फेवरेट करेक्टर का नाम लिख देना है, जैसे कि पेपा पिक गेम, ताकि ये जो आपको आपके करेक्टर वाले में ही ये गेम मिल पाए। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पर। और इसी के साथ भाई अगर आपको वाटर गेम्स बहुत पसंद है ना, तो ये देखो पी पी, तो भाई ये ब्रेक मार ले, और इसके अंदर स्पीडोमीटर दे रखा जो कि भाई 0 से 200 तक जाती है। और ये एक गेम मशीन है जो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड और काफ़ी ज़्यादा तगड़े प्लास्टिक की बनी हुई है। और इसके अंदर देखो ये एक ट्रैक दे रखा, रोड दे रखा जिसमें फिनिशिंग लाइन दे रखी है, और ये गाड़ी दे रखी है, और ये हैं भाई दो स्टिक्स, और ये बहुत सारे दे रखे हैं इसमें रिंग्स यानी छल्ले। तो यार मैं जो हमेशा सिर्फ 5 सेकंड लेता हूँ, आज भी 5 सेकंड लेंगे, तो भाई ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो भाई आप देख सकते हो कि आज जो है सिर्फ इसके अंदर एक ही छल्ला आया है, यानी कि एक ही रिंग आई है, जबकि कम से कम भाई मैं 2 एक्सपेक्ट कर रहा था। ये चिपकी हुई है क्या? नहीं नहीं, एक ही आई है भाई। ओ ये देखो हिलाने से वो एक भी निकल गई। तो यार अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे से जो है 5 सेकंड में, भाई देखो टाइम जो है सिर्फ 5 सेकंड का रहेगा, अगर तुम्हें लगता है 5 सेकंड के अंदर 1 से 2 भर सकते हो, क्योंकि एक मैंने भरी तो आपको 2 भरनी पड़ेगी, तो यार 2 कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे, तो कम से कम आप लोग 3 भरो। तो अगर आपको लगता है 5 सेकंड के अंदर 3 रिंग्स इसके अंदर डाल सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख के आपको लिखना होगा भाई वाटर गेम, ताकि मैं जो आपको वाटर गेम गिव अवे कर सकूं। और अगर आपको दोनों गेम पसंद आई है तो आपको लिखना वाटर गेम एंड पेपा पिक गेम, ताकि मैं जो आपको दोनों की दोनों गेम गिव अवे कर सकूं, अपना नाम जरूर लिखना। तो इसको रखते हैं इसकी भाई जगह पर। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई जिसके बारे में हर बार मैं तारीफ करता हूं, और मैं कभी भी नहीं थकता इसकी तारीफ करने से पहले, वो इसलिए क्योंकि इसके नीचे लगे होते हैं भाई 28 कंचे, वो भी स्टील वाले, जिसकी वजह से बैरिंग घूमती है, और इसके नीचे भाई हवा जाने के लिए भी भाई साहब जगह नहीं मिलती इसको। ये देखो भाई कैसे मस्ती कर रहा है, मतलब ये देख रहे हो, मतलब दोनों के दोनों कॉबॉय बन के घूम रहे हैं। ये देखो बर्फ की वादियों में घूम रहे हैं, यहाँ पे भाई साहब भाई सुजुका भी है, ये सारे के सारे नोबिता वगैरह मिलकर भाई मजे कर रहे हैं। और पीछे इसमें दे रखा भाई डोरेमोन का लोगो, जो कि भाई बालों में सवार है, हैरी पॉटर वाली झाड़ू लेके घूम रहा है, कभी एंजल बन के घूम रहा है। लेकिन डोरेमोन की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि यार ये जो मोटिवेट करता है ना लोगों को भाई पढ़ाई करने के लिए भी, कि मस्ती अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इसकी अच्छी लगती है। और ये पूरा का पूरा भाई साहब प्लास्टिक का नहीं है, ये मेटल का बना हुआ है, इसकी आवाज़ देखो। तो यार तुमने देखी कितनी ज़्यादा सॉलिड जो है ना इसका साउंड आ रहा था, और ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, और इसको जो है आप जान दोगे ये भाई यहाँ पर नहीं मिलता, तो ये ताइवान से जो इंपोर्ट कराया था ये उनमें से ही एक है, और अब ये खाली होने वाला है क्योंकि ये ख़त्म होने वाले हैं, इसके सिर्फ 27 ही पीस अभी बाकी बचे हैं, और मुझे लग रहा है शायद वो भी भाई गिव अवे होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये जो है ना अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई कि ये कितनी स्पीड में भागता है। तो भाई हम जो इसको स्टार्ट करने वाले, तो भाई ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये एकदम जैसे कि भाई ये बिल्कुल स्लो चल रहा हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ये अपनी काफ़ी ज़्यादा तेज वाली स्पीड में चल रहा है, और ये ना रुकता भी नहीं है। और इसको भाई ऐसे कर लोगे ना ये तब भी आपको भाई बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगेगा, और ये डोरेमोन के कलर से बहुत ज़्यादा मैच करता है, तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा भी अच्छा लगता है। तो भाई इसको ना इसकी जगह पर रखते हैं। अगर आपको स्पिनर से खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आरसी कार से खेलना पसंद है, ड्रोन से खेलना पसंद है, तो भाई आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है डोरेमोन स्पिनर। ध्यान रहे भाई स्पिनर मत लिखना, नहीं तो भाई मेरे पास काफ़ी सारे स्पिनर हैं, उनमें से कोई एक आ जाएगा, तो इसलिए आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा डोरेमोन स्पिनर, ताकि मैं जो आपको इसको गिव अवे कर सकूं। तो यार ये देख रहे हो इसके अंदर अभी भी इतनी स्पीड बाकी है कि मैं आपसे बात करता रहूंगा ना तब भी ये चलता रहेगा। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई मैंने जो है ना इसको यहाँ पर रख कर ना और चालू कर दिया, ताकि ये जो है भाई बहुत खूबसूरत लगे, और ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। अब बारी आती है लेज़र लाइट की। तो ये वाली जो लेज़र लाइट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है मुझे, और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि भाई साहब ये कुछ इस तरीके से पैकिंग
स्कीम आती है जिसके अंदर छल्ला भी दिया जाता है। अगर आपको छल्ले के साथ यूज़ करने तो उसके साथ यूज़ कर सकते हो। और प्लस में इसके अंदर मिलते हैं भाई छोटे छोटे चार लेंस, मतलब कि कभी भी अगर आपको कोई लेंस खो जाए तो आपको दिक्कत भी नहीं लेनी है यार, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी ऑलरेडी हमें मिलती है। और इसके अंदर भाई तीन सेल मिलते हैं जो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और भाई अब आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा, क्योंकि इसकी लेज़र लाइट देख के तुम लोग हिल जाओगे। तो भाई उसको चलाने के लिए भाई मैं लाइट्स को करने वाला हूँ ऑफ, ताकि आपको जो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो लाइट्स को करते हैं ऑफ। तो भाई साहब ये देखो डांसिंग डॉग के ऊपर मैंने इसकी लाइट मार रखी है, और ये देखो कितनी ज़्यादा फ्लैशी है। तो भाई साहब आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि भाई ये रात में जो है ये कितना ज़्यादा तगड़ा करतब करके दिखाने वाली है। और भाई आप ना गली में अपनी प्रॉपर इससे शरारत वरारत कर सकते हो। देखो यार एक एक चीज़ पे देखो, फरारी पे देखो यार कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। तो भाई लाइट्स को करते हैं ऑन। तो यार सचमुच में इस लेजर लाइट ने जो भाई दिल जीत लिया। और इस पर पता भाई देखो एक वार्निंग लिखी है डेंजर, कि इसको जो है ना भाई अपनी आंखों की तरफ में मतलब कि यूज मत करना, क्योंकि आंखों की पुतलियां जो है भाई सुकड़ा देती है। तो इसलिए जो है इसको अपनी आंख से बचा के रखना, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। प्लस में इसमें केस दे रखा है जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कांच का बना हुआ है, तो भाई आप जो है इसको इसके अंदर प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। तो अगर आपको भी काफी ज्यादा पसंद है लेजर लाइट से खेलना, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे भाई आपको लिखना है लेजर लाइट, ताकि मैं जो आपको ये वाली लेजर लाइट गिव अवे कर सकूं। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। भाई साहब इस वाले मोस्टर ट्रक और इस वाली दूरबीन से बारी आती है पहले हमारी कार की। तो ये आगे भाई साहब हमारी रेसिंग कार हमारे हाथ में, जिसपे लिखा है 18 रेसिंग पावर सुपर कार, और वाकई में सुपर डुपर है। ये देखो इसमें दो छोटे से क्यूट मिरर दे रखे हैं, आगे हेडलाइट है, और इसके अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास दे रखा है, जिसके अंदर की भाई सीट दिख रही है हमें एकदम सिल्वर कलर की चमचमाती, और पीछे इंजन दे रखा है, और एक स्पॉइलर लगा रखा है, और इसके अंदर दो व्हील भी है जो काफी ज्यादा कूल है। और इसका कलर वलर देखोगे ना यार, तो यार काफी ज्यादा सॉलिड है। और टंकी भी दे रखी है भाई, जिससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये टंकी फुल है, यानी कि इस पे भाई बहुत पैसा जिस भी बंदे की ये गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है ये मुझे काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो भाई सुंदर का तो तभी पता चलेगा जब इसको हम चलाएंगे। तो भाई मैं आपको जो इसका एक लाइव डेमो देने वाला हूँ, तो भाई मेरे साथ आ जाओ लाइव। तो भाई साहब ये देखो यार हमारी जो ये गाड़ी आकर के खड़ी हो गई है भाई, रेसिंग कार यानी कि आरसी कार। तो भाई इसका रिमोट कंट्रोल भी यहाँ रखा हो, ये देखो भाई रे कते गजब भाई साहब। ओ माई गॉड गाइस, अब इसको एक बार पीछे करते हैं। ओहो क्या बात है भाई साहब, अब ये एक बार यार इसका ना मेरा मन कर रहा है इसको अंधेरे में चलाते हैं, क्योंकि इसकी मुझे लाइट देखनी है, वो जो इसकी लाइट है। ओ भाई रे क्या बात है, कतई गजब भाई साहब, लाल लाइट, नीनी लाइट, ओ भाई साहब हरी लाइट भी है इसके अंदर, और गुलाबी लाइट भी है, मजा ही आ गया भाई साहब। ओ बाप रे बाप, भाई ये तो 3D लाइट है, ओए क्या बात है भाई रे गजब। तो यार मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूं भाई, ये रिमोट कंट्रोल के साथ इतनी तगड़ी चल रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ये जो ज़ूम इस तरीके से भाई पास में आ रही थी, और ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। और सबसे अच्छी चीज क्यों कि इसका जो फॉन्ट लिखा हुआ ना रेसिंग, ये ऐसा लग रहा है भाई किसी ने सिग्नेचर कर रखा है, तो ये इसको और भी ज्यादा कूल बनाता है। प्लस में इसके अंदर जो सिल्वर कलर की जो सीट बना रखी है वो इसको बहुत सुंदर बनाती है। और तीसरी चीज कि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना ब्लैक एंड येलो कलर का, वो बहुत ज्यादा तगड़ा भाई, कमाल है यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी इसकी वजह से मुझे। तो ये मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। और पता यार ये ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, डांसिंग डॉग हो गया, आरसी फरारी कार हो गई, और ये वाला ड्रोन, हर एक चीज जो है भाई मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, ये ड्रोन और फरारी कार ना बहुत हटके था, बहुत ज्यादा। तो अगर आपको पसंद आया हो भाई ये वाली आरसी कार, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख के आपको लिखना होगा येलो आरसी कार, ताकि मैं जो आपको ये वाली आरसी कार गिव अवे कर सकूं। और अगर आपको वो वाली आरसी कार चाहिए जिसके की बटन से डोर खुल जाते दोनों के दोनों, तो आपको लिखना होगा आरसी फरारी कार। और उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में आप अंतर देख सकते हो, क्योंकि वो भाई एक प्रीमियम कार है, जो कि अभी भी देख रहे हो क्या ग्लॉसी लग रही है, इतनी हाई क्वालिटी की लग रही है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो अब बारी आती है हमारे मोस्टर ट्रक की, जो भाई बहुत ज्यादा मजा देने वाला है। और इसके अंदर ये देखो, इधर भी शॉकर लगा हुआ है, इधर भी शॉकर लगा हुआ है, इधर भी भाई स्प्रिंग वाले शॉकर है, इधर भी स्प्रिंग वाले शॉकर है, यानी कि भाई इसको जितना मर्जी करके तेज चला लो, इसकी गाड़ी का जो स्वाद है ना काफी तगड़ा है। और ये देख सकते हो टायर जो है ना ये ऐसे ही नहीं छिले भाई, इसको इतना रगड़ा है मैंने, इतना रगड़ा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और सच में अभी तुम देखोगे ना इसकी लाइव, तो भाई तुम इसको लाइव देख के हिलने वाले हो, क्योंकि ये बहुत तगड़े करतब करके दिखाने वाली हो। और ये जो है ना ऊपर से तो तुम्हें एकदम थार की तरह लगेगी, और ऐसे देखोगे ना तो भाई ये तुम्हें मोस्टर कार की तरह लगते हैं, जो मोस्टर ट्रक होते हैं। तो ये जो भाई बहुत तगड़े तरीके से टंबल करने वाली है, तो भाई आ जाओ मेरे साथ। ये अभी हाथ से गिरने वाली थी छूट के, तो ये मेरे हाथ से गिरे, तो उससे पहले मैं आपको इसको लाइव दिखाने वाला हूं, तो आ जाओ मेरे साथ। थार वाला मोस्टर ट्रक हमारा आ चुका, और ये देखना भाई साहब, 1-2 और ये 3, ओहो ये देखा तुमने, मतलब भाई साहब जैसे दीवार से टक्कर खाई, ये भाई साहब लेट के 360 डिग्री घूमने लग गई, ये देख रहे हो मतलब कि भाई जैसे मर्जी घूम लेते हैं, इसीलिए इसका नाम टम्बलिंग कार भी है। और इसको मैं बोलता हूं भाई डांसिंग कार, ये 360 डिग्री पे खड़े होकर जो घूमता है ना, ओए चारों पहियों पे, मजा आ गया, दिल जीत लिया यार। ओ भाई साहब बूम,
मतलब इसने तबाही मचा दी, कतई बवाल, और बहुत ज्यादा मजा आ गया भाई। यहाँ पे पैर रख के अंदर चढ़ो, अंदर बैठने के बाद इसको ऐसे करके चलाओ, ये ऐसे जो खड़ी हो जाती है तो ये भाई ऐसे गोल गोल लिटरली घूम रही थी, और ये ना लेटने के बाद भी गोल गोल घूमती है, यानी ये 360 डिग्री घूम के स्टंट करती है, जिसको 360 डिग्री स्टंट बोलते हैं। प्लस में ये स्पिन करने के साथ साथ ये डांस भी कर लेती है, जिसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आया, इसीलिए भाई मैं जो इसको डांसिंग कार भी कहता हूँ। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन देखोगे ना रेड एंड ग्रीन और ब्लैक कलर का, तो भाई आपको भी ना रेड एंड ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा, और ग्रीन के साथ इसके जो टायर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बवाल है और बहुत ज़्यादा है। तो वाओ यार, एक ही चीज निकलेगी मन से, वो यही है कि वाओ। तो अगर आपको भी काफी ज्यादा पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख के आपको लिखना मॉन्स्टर ट्रक, ताकि मैं जो आपको ये शो करवा ले मॉन्स्टर ट्रक गिव अवे कर सकूं। और ये जब भाई गिरते हैं तो ये टूटते भी नहीं, इसकी ये एक अच्छी बात और खास बात है। और अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं भाई रोड रोलर, तो भाई बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलेगा रोड रोलर, क्योंकि भाई लोग जो है भाई जेसी भी दिखा देते हैं ताकि रोड तोड़ सके, लेकिन रोड बनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो वो जिम्मा उठाया भाई हमारे इस भाई ने। और ये देखो इतनी पक्की प्लास्टिक का है ना कि आपकी ना, मैं इसको दिखा सकता हूँ आपको इसकी मोटाई वगैरह। और ये देखो ये इधर भी जीने बना रखे, जिधर पावर लिखा है 66 PC लिखा हुआ है, इस पर ट्रक लिखा हुआ है, इधर भी ट्रक लिखा हुआ है, और ये तो भाई साहब मैजिक है मैजिक। तो भाई ये मैं अभी दिखाऊंगा, चलो सस्पेंस नहीं रखता, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अंदर ड्राइवर बैठा है ना, ये एक्चुअल में भाई कैसे स्टीयरिंग को दबाता है। ये देखो ऐसे दबाएगा और ऐसे छोड़ देगा, तो देखा तो काफी कूल चीज लगी मुझे कि इसको भाई पीछे नहीं खींचना, ना ही धक्का मारना, सिर्फ इस तरीके से दबाओ और छोड़ दो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखो, ये जीने बना यहाँ से चढ़ने के लिए, यहाँ बैठ जाओ, और अगर पीछे आपको देखने का भाई क्या काम चल रहा है तो यहाँ से भी जीने हैं, यहाँ पर भी चढ़ सकते हो, तो ये चीज काफी अच्छी लगी। और आगे एक रोलर दे रखा है जो कि ये वाला रोलर है, ये देखो ये गोल गोल घूमता भी है, क्योंकि ये तो भाई रोड को बनाएगा चपटा करके एकदम, तो ये भाई साहब रोड रोलर अपने आप में तबाही मचाने वाला है, तो इसका भी लाइव डेमो देने वाला हूं। तो यार देर किस बात की, आ जाओ मेरे साथ रोड रोलर की भाई, अब हम जो है स्पीड चेक करने वाले, वैसे तो ये बिल्कुल असली वाला लग रहा है ये। ओ भाई साहब, ओ भाई रे, इसने तो मौका भी नहीं दिया रिकॉर्ड करने का यार ये ना एक अमेजिंग चीज है, पता क्यों, एक तो इसको दबाओ ना तो यार एक तो इतनी तेज भागते कि दिक्कत तो है नहीं है कि कहां से कहां जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे ना फोन के साथ, अगर नहीं खेल रहे सिर्फ इसके साथ खेलोगे, तो भाई तुम इसको आराम से देख पाओगे ये कितनी तेज जा रहा है, क्योंकि ये गोली की तरह भागता है भाई, ऐसा लगता है कि एक ही रात में ये जो है ना रोड बना देगा 2 मिनट में। तो पर्सनली मुझे जो ये रोड रोलर काफी ज्यादा पसंद आया, और रोड रोलर को बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, ये आप भी जानते हो। तो भाई अगर आपको पसंद आया तो यार आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना रोड रोलर, ताकि ये जो है आपको आराम से आपके घर तक गिव अवे हो सके, बस अपना एड्रेस जरूर डालना। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, जो काफी देर से बेचारा हमें घूर रहा है, और वो ये है हमारा मैजिक वाला वॉल्ट डिज्नी का रोबोट। ये देखो ये ऐसे दिखने में आपको एक रोबोट की याद आ जाएगी, जिसको डिज्नी पे देखते थे, बट एक्चुअल में इसके अंदर टॉर्च है, जो कि भाई यहां से देखने में लेंस की तरफ से बड़ी टॉर्च निकलेगी, और आप जब इसको ऐसे खोलोगे तो छोटी टॉर्च बन जाती है, और प्लस में ये दूरबीन का काम करती है, तो ये उल्टी साइड है, ये है इसकी असली साइड, यहां से आप अपनी आईज लगा के आराम से किसी को भी देख सकते हो। जैसे कि आपको भाई ये डॉग दिख रहा होगा, ये देखो ये व्हाइट व्हाइट डॉग है, और ये जो ये हमारी फरारी है, मुझे पता है वो आपको डॉग नहीं दिख पा रहा होगा क्लियर, ये देखो आप दिख रहा है, तो ये जैसे जैसे मैं इसका ये बटन है ना, ये इसको आपको घुमाना होता है, ये देखो मैंने इसको इधर की तरफ घुमाया, तो जैसे जैसे आप इसको घुमाओगे ये यहाँ से ना, ये देखो ये जो है थोड़ा थोड़ा बटन आगे पीछे घूमता है, तो इसकी मदद से ना ये लेंस इसके अंदर बाहर होते हैं, बड़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। और ये आप सोचोगे दूसरा बटन किस चीज़ का है, तो मैं आपको बता दूँ दूसरा बटन है भाई इसका टॉर्च ऑन करने का, लेकिन उसके लिए इसके अंदर आपको डालनी पड़ती हैं 2 AAA वाली बैटरी, जो काफी ज्यादा इसको स्ट्रांग बनाने वाली है। तो ये दोनों की दोनों भाई इसके अंदर बैटरी लग चुकी हैं, और अब इसके बाद ये देखो अब मैं लाइट्स को करने वाला हूँ ऑफ, ताकि जो आपको मजा आ जाए। तो ये देखो इस तरीके से निकल के बाहर आएगी, तो लाइट को करते हैं ऑफ। तो मैं जो इस टॉर्च की बात कर रहा था, तो ये देखो यार ये स्क्रीन पे आपकी कितनी ज्यादा रोशनी फेंक रही है, और नीचे करके देखोगे तो भाई आपको जो है ना ड्रोन से लेके ये RC कार जो है हमारी फरारी वाली, ये देखो डोरेमोन का स्पिनर, यूनिकॉर्न की जिमेट्री, रोड रोलर, और ये जितनी भी रखी है ना चीजें, गन वगैरह से लेके लेजर लाइट, कार, डांसिंग डॉग, हर एक चीज आपको बहुत क्लियरली दिख रही होगी। और पता है, और जब आप जैसी बटन को दबाओगे तो भाई ये जो टॉर्च है ये निकल के बाहर आ जाएगी, ये देखो ये आ गई ना बाहर, तो ये जो ये इसको और भी ज्यादा कूल बना देती है। और भाई बाहर निकलने के बाद तो इसकी रोशनी इतनी बढ़ जाती है कि एक साथ 3-4 चीजें देख सकते हो, पहले एक एक चीज दिख रही थी ना, अब आपको एकदम स्पॉट पे काफी सारी चीज दिख रही होंगी। और देखो अब यहां से ना आप देखोगे ना दूरबीन में से, तो आपको एक एक चीज क्लियरली दिखेगी, जैसे फरारी वगैरह आप आराम से देख सकते हो। तो यही चीज जो है मुझे काफी ज्यादा पसंद में आई। तो भाई चलो इसको लाइट शो करते हैं ऑन। तो भाई साहब ये वाली जो हमारी जो बाइनोकुलर है, जिसको दूरबीन बोलते हैं, ये कोई आम वाली दूरबीन नहीं है, ये एक वॉल्ट डिज्नी के रोबोट की याद दिलाती है, जिसमें कि एक आंख और दो नाक आपको देखने के लिए मिल जाती है, और इसी तरीके से इसका ये सर था। तो भाई वो जो रोबोट था उसका सर बना हुआ था, ये ऊपर का सिरा,
और वो अपने आप में ही एक बाइनोकुलर था। और ये दूरबीन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और ये रात में भी ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिखती है, और क्योंकि ये आपको रात में बहुत हेल्प करेगी। देख रहे हो इसका एक एक लेंस यार कितना तगड़ा दिख रहा भाई, क्या जूमिंग है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये उल्टी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी दिख रही है लेकिन मैं सच बताऊँ तो यहाँ से जब आप आँख लगाओगे तो वो चीज़ बड़ी दिखेगी, ये उल्टा देख रहा है इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है कि हमें एक एक चीज़ जैसे कि कितनी साफ दिख रही है। लेकिन भाई सच तो ये कि इसको जो है ना यहाँ से देखना होता है जब आँख लगा के देखते हैं, तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो भाई आपको लिखना है अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है दूरबीन या फिर बाइनोकुलर, ताकि मैं जो आपको इसको गिव अवे कर सकूँ। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर। तो भाई साहब बारी आती है अब उस सरप्राइज की जिसमें कि हम 10 नहीं बल्कि 15 लोगों को देने वाले शाउट आउट, और उसमें से किसी एक को नहीं मिल की दो को मिलने वाला ये एकदम कॉम्पैटिबल वाला जो कि हेलीकॉप्टर भी है प्लस में अपने आप में एक आरसी ड्रोन है, और भाई साहब उसके साथ मिलेगा जो हमने वादा किया है एक 2-in-1 वाला भाई साहब लुचैंसी एरोप्लेन, जो कि ऊपर वाला 360 डिग्री पे घूमता और नीचे वाला तो ऑटोमेटिक घूमता है। तो ये भाई बहुत तगड़ी वाली चीज है। तो ये है वो 15 नाम, सुनील कुमार, राकेश कुमार, गौतम सैनी, खुशी, आदर्श, अब्दुल्ला राव, अल्तमस, जारा, शर्मिला पाल, थानेश्वर राव, मुर्तजा, निखात, परवीन, आयुष बर्मन, हर्षिता, कृतिका और MD444। ये पता नहीं कैसा जीवने में, लेकिन भाई कमेंट जो है इसने बंदे ने काफी ज्यादा चक रखा था। अब मैं नहीं जानता भाई कौन है, लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया कमेंट था प्लस में। तुम्हें अगर मैं सच बताऊं तो भाई साहब 15 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तगड़े वाले कमेंट आ रखे थे, जिसमें से कि रैंडमली 15 कमेंट सिलेक्ट करें और उनमें से किसी दो को आने वाला भाई साहब ये 2-in-1 वाला, जो कि एक अपने आप में हेलीकॉप्टर और प्लस में अपने आप में एक ड्रोन भी, और ये रात में भी उड़ सकता है क्योंकि इसके आजू बाजू लाइटें भी जलती है और प्लस में इसके आगे भी टॉर्च लाइट है। तो भाई ये हॉक वाला ड्रोन तो मिलेगा इन 15 में से किसी दो को, प्लस में उसको मिलने वाला है एक ये लुचांसी वाला गियर प्लेन जिसके अंदर एक एक गरारी जलती है, वो भी 7 अलग अलग रंग की। इसकी भाई पंखुड़ी पे भी जो है ना इसमें भी लाइट जलेगी और पीछे से भाई फायर निकलती है, और ऊपर वाला जो है ये भी 360 डिग्री पे गोल घूमता है, नीचे वाला तो घूमेगा ही प्लस में ऊपर वाला भाई हर एक सेकंड में घूमता है, तो जो इसको काफी ज्यादा तगड़ा बनाता है। तो भाई इसीलिए जो ना 15 में से किसी दो बंदों की आज होने वाले बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले। तो यार आप लोगों ने देखा कि आज जो छोटे से लेके बड़े टॉयज तक हमने देखे, जो बहुत बड़ी फरारी कार थी जिसके डोर अपने आप खुल जाते, प्लस में सस्ती लेजर लाइट से हमने देखे, एक बहुत ज्यादा महंगा वाला एक हमने ड्रोन देखा जो कि 2-in-1 है, हेलीकॉप्टर बन जाता, कभी ड्रोन बन जाता है, और रोड रोलर से लेकर हर एक चीज देखी। तो भाई साहब अगर आपने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा आज के इस कलेक्शन को, तो आपको करना है ज्यादा से ज्यादा लाइक, और अगर इस पर भाई साहब 1000 से ज्यादा लाइक है, तो ये सारा का सारा जो कंप्लीट सेट आप देख रहे हो जो गजब और काफी ज्यादा ताबड़तोड़ कलेक्शन है, ये कर दिया जाएगा किसी भाई 10 में से किसी एक बंदे को गिव अवे। और अगर कमेंट्स कुछ ज्यादा अच्छे आते हैं तब फिर हम जो है ऑटोमेटिक 15 लोगों को चुनेंगे जिनमें से किसी दो बंदों को देंगे पूरा का पूरा कलेक्शन। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।